सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल को इस सब्सक्राइब के बटन पे जाकर, और बेल आइकन को दबाए लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, संदीप ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान जेल प्रहरी की एंसवर की, और जो 11 से लेके 14 तक जो री एग्ज़ाम होगी उसके बारे में। अब ये निर्णय कमेटी लेगी कि री एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाए ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी के लिए। तो ये री एग्ज़ाम होने का एक कारण है कि सीकर में जो किसान आंदोलन चल रहे था उस वक्त बहुत सारे विद्यार्थी परीक्षा से वंचित रह गए थे, वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए। कारण ये रहा कि हर रास्ते को जाम कर दिया था किसान सभा के द्वारा, तो बहुत सारे विद्यार्थी परीक्षा से वंचित रह गए थे, वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए। उसके संबंधित एक जो प्रेस विज्ञप्ति है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ने जारी की है। तो चलते हैं हम आज की इस वीडियो पे, देखते हैं प्रेस विज्ञप्ति में क्या लिख रखा है। तो ये प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है 18 तारीख को, और इसमें लिखा है कि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जा रही जेल प्रहरी परीक्षा 2015 दौरान सीकर जिले में किसान आंदोलन के कारण परीक्षा से वंचित अभ्यर्थियों की मांग पर उचित निर्णय एवं निस्तारण के उपरांत ही प्रश्नों की उत्तर कुंजी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। साथ ही उक्त प्रकरण के निस्तारण उपरांत ही विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अभ्यर्थी प्रश्नों से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये जो न्यूज़ दी है, वो जो भर्ती का जो नोडल अधिकारी बनाया गया था उन्होंने ये न्यूज़ दी है कि ये अभी एंसवर की नहीं डाली जाएगी। कारण था कि जो किस सीकर में जो किसान आंदोलन चल रहा था उसके चलते वे कुछ स्टूडेंट्स या विद्यार्थी एग्ज़ाम नहीं दे पाए। उनकी एग्ज़ाम दोबारा होगी या नहीं होगी, या किसी एक मंडल विशेष की एग्ज़ाम होगी, या सभी मंडलों की 11 से लेकर 14 तक दोबारा एग्ज़ाम होगी, इसका निर्णय कमेटी जल्द ही निकालेगी। और एंसवर की और प्रश्न पत्रों पर आपसे संबंधित जो शिकायत दर्ज कराने की सुविधा दे सकती है, लेकिन पहले निर्णय इस पर लिया जाएगा कि एग्ज़ाम से वंचित रहे अभ्यर्थियों की एग्ज़ाम दोबारा लगेगी या नहीं लगेगी। सबसे बड़ी बात यही है। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक और शेयर और अपने दोस्तों तक बता।